नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के आसू। इस वक्त छतरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और महिला समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल से एक रैली निकाली गई, जो लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। रैली में सामाजिक कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद। रैली को जिला स्वास्थ्य अधिकारी विजय पथौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, एवं नोडल अधिकारी सरज चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही ये विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे, जिसमें रैली निकालना, लोगों को रेड रिबन लगाकर उन्हें एड्स के बारे में जानकारी देना, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ महिला समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रोग्राम मैनेजर रितु मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पश्चात जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रेड रिबन लगाए गए और एड्स के बारे में जानकारी दी गई। आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जो जिला अस्पताल के स्टाफ के साथ डॉक्टर साहब ने, सीएमएचओ सर ने रैली का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाकर हमारी रैली का शुभारंभ किया। और जो रैली जिला अस्पताल से होकर डाकखाना होते हुए जिला अस्पताल में समाप्त हुई, इस बार हमारे कर्मचारी भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी, लोगों के सहयोग से ये रैली समाप्त की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया गया है कि एड्स के प्रति जागरूक रहें, जानकारी रहें, एड्स की जानकारी ही बचाव है। थैंक यू। ये यार एड्स जागरूकता प्रोग्राम था, इसमें हमने एक रैली निकाली, आज है ना एड्स दिवस है, मतलब रैली निकाली है। इसके माध्यम से हम आम जनता को एड्स के बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि बीमारियों कैसे फैलती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कैसे उपचार होता है, कैसे डॉक्टर से मिलना है, और आप सबके कैसे फॉलो करना चाहते हैं, जानकारी दी जाए। क्या अनुरोध करना चाहते हैं लोगों से जो जागरूक नहीं है? हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी लोग एड्स से ग्रसित हैं, वो लगातार अपनी प्रिकॉशन रखें, अपने परिवार को भी उससे बचाएं, और अपना बीमारी है दूसरों को फैलने से बचाएं, साथ में उनके परिवार को ये वो भी जागरूक रहें, और ये बीमारी जो है सामान्यतः खाने, साथ में खाने पीने, हाथ मिलाने, साथ बैठे से नहीं होती है। इसका कॉन्टैक्ट अगर ब्लड के दो ब्लड से होता है तो ही फैलती है। तो अगर किसी को एड्स की बीमारी है तो उससे नफरत नहीं करना चाहिए, उसे सहानुभूति रखना चाहिए, और उसको एक सोशल सिस्टम है, उसको मतलब उसको सोशली भी थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।